बार फिर उमड़ा आस्था का सैलाब। आपको बता दें कि पिछले 30 दिनों से बाबा अवधूतगिरी शास्त्री एक महीने से लगातार पंचध्वनि के बीच तप कर रहे हैं। उनका मानना है धर्म की रक्षा, प्रकृति की रक्षा और देश पर न्योछावर हुए फौजियों की आत्मरक्षा के लिए वो है यहाँ धूनी लगाए हुए थे। लगातार 31 दिन तप करने के बाद आज उनके यहाँ भंडारे का आयोजन समस्त ग्रामीणों ने किया है। आसपास के हकीमपुरा, सलेमबाद का करारी सहित सभी गांवों ने मिलकर यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें आप देख सकते हो लाखों की संख्या में लोग भंडारे में प्रसाद करने के लिए उमड़ पड़े। इसी को कहते हैं आस्था का सैलाब। आप मेरे साथ देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ हो रही है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। वैसे उनको बड़ा भागना धन्यवाद प्रसाद ताकि इस काम में घट जाए, प्रसाद ताकि इस काम में घट जाए, बहुत बड़ा भागना है। जहाँ कहीं भी हो उधर यहाँ भंडारे के लिए आए, ठीक है। बोला उर्फ भानु प्रताप तोमर, वो घर से पहुंच गया है। वो सत्य नारायण की जय। शिक्षक आपको नई नई शिक्षाएं देते हैं, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। कुछ बच्चे मैं जानती हूँ कि जब सुबह सुबह का टाइम जब स्कूल जाने का होता है तो माँ से कहते मेरे पेट में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, और जैसे ही स्कूल का समय खत्म हो जाता है तो वो दर्द भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहाने मत लगाओ बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, हमारा गाँव आगे बढ़े। मेरा गाँव मेरा देश है, मेरा गाँव अगर तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की करेगा। आजकल जो हम देख रहे हैं कि कुछ नौजवान जिनको शर्म लगती है कि अपने जो घर से निकले तो अपने बुजुर्गों का पैर छू कर लेते हैं, बहुत शर्म उनको शर्म सी महसूस होती है। तो मैं नौजवानों से ये कहूँगी कि शर्म की कोई बात नहीं, अगर आप बुजुर्गों के पैर छूओगे, अपने दादा के पैर छूओगे, दादी के पैर छूओगे, माता पिता के पैर छूओगे, तो यकीनन आपको और ऊर्जा मिलेगी और आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो शर्म मत करिए, और सारे परिवार खुशहाल रहे। बेटा लोग देख रहे हो कि महाराज जी ने जो एक अद्भुत तप किया, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और शायद 9 सालों से महाराज जी तप कर रहे हैं, ये अपने आप में है। और महाराज जी से महाराज ने बात की तो कहना कि समाज के कल्याण के लिए मैं ये सब करता हूँ, और पहले मेरे लिए मेरा धर्म तो मैम, यहाँ पंचधुनी बाबा ने काफी 31 दिन तक तपस्या की, आप ऐसे मौके पे आए, सभी कार्यकर्ताओं को मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि भैया ऐसे ही अपने काम में लगे रहे और कहीं
कमी दिख रही है तो जो खड़े हुए हैं वो लग जाओ उस काम में। अरे भाई भी सुनना कर ले, जिस उद्देश्य को लेकर ये तब कर रहे हैं ईश्वर उनकी वो उद्देश्य पूरा। बोले सच्चे दरबार की जय। लोगों ने कुछ लोगों ने विकास कार्यों की भी बात कही है तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन जाता है उनके लिए? गांव की समस्या थी वो सीसी रोड बन गया सर। क्या नाम है आपका? ग्राम पंचायत चलाने वाला। आज यहाँ किस प्रकार का भंडारा हो रहा है? विशाल भंडारा हुआ है। किस उपलक्ष्य में हुआ भंडारा? तपस्या कितने दिन की बाबा ने? एक महीने तपस्या की। तो गांव के लोग आते थे बाबा की तपस्या देखने के लिए? आसपास के लोग बहुत लोग आते थे। तो बाबा की क्या मान्यता है? बाबा की बहुत ज्यादा मान्यता है। जैसे कोई एक उदाहरण दो आप। अच्छा इस प्रकार की तपस्या आपने पहले कभी देखी? नहीं देखी। पहली बार तपस्या देखी ऐसी? सर क्या नाम है आपका? गांव ककरारी और ये रमलावन रहता है और दस गाँव से भागवत चल रही है बाबा के पक्ष में। और हम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्यक्रम भंडारा किया है बाबा के पक्ष में। अच्छा कितने लोग आए हैं भंडारे में? कितने लोग आए होंगे भंडारे में? कम से कम 50-60 हज़ार की भीड़ है और 100 मन का कम से कम भंडारा हम लोगों ने मिलकर सब लोगों ने और सब वर्ग के लोग हैं यहाँ और बहुत अच्छा मानता है हर मंदिर की। हाँ जो भी कोई आता है आशीर्वाद यहीं से लेकर जाता है, विजयी होती है। सर आप अपना परिचय देते हुए। मैं मेहताब सिंह चार गांव बाद ग्वालियर रोड आगरा। आज यहाँ किस प्रकार का भंडारा हो रहा है? आज भंडारा ये अखीमपुरा ना सब तुम्हारा ये अखीमपुरा और ये बगल वाला गांव है भाई सलेमबाद, इन गांवों के एक मंदिर है यहाँ पे। इस मंदिर के उपलक्ष्य में एक भंडारा किया गया है। जो भंडारा बहुत विशाल भंडारा है, भंडारे बहुत दूर दराज के लोग आए जिन्होंने आकर यहाँ पे ब्रह्मभोज भी किया, सब कुछ किया। इसके बाद इतना बड़ा भंडारा, जितना बड़ा भंडारा नहीं कह सकते उससे ज्यादा विशाल बड़ा भंडारा आई है। तो यह सप्ताह जो चल रही थी वो कितने दिन चली आज? वो सप्ताह आज पूरे 7 दिन खत्म होने के बाद आज भंडारा था, जो कल सप्ताह खत्म हुआ आज भंडारा हो गया उसका। तो कितनी दूर दराज से लोग आए हुए हैं? बहुत दूर से आए लोग, यहाँ पे कह नहीं सकते हम पता। लगभग लाख कितने में भीड़ होगी? लगभग 30,000 के लगभग तो होगी।